गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अभियंता क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट नंबर 2 पर आज बात करेंगे, जो कि बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें 10 क्वेश्चन रहेगा जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है एसएससी जेई डीएमआरसी एलएमआरसी ईसी गेट एंड अदर स्टेट जेई के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में लेकर आए हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जाम में पूछा है, और उन प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आगामी परीक्षा में आने की संभावना है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर अच्छा लग जाए तब लाइक कीजिएगा, अभी लाइक नहीं कीजिए, वीडियो को अंत तक देख लीजिए, उसके बाद लाइक वाइक कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि ए गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन, ए गुड ब्रिक शुड कंटेन, क्या हो जाएगा यहाँ पर? गुड ब्रिक के लिए क्या क्या चाहिए? ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में अबाउट 20% to 30% एलुमिना, सेकेंड में है अबाउट 50% to 60% सिलिका, सी में है नोट मोर देन 5% ऑफ एलुमिना, और फोर नंबर में है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर एलुमिना 20% से 30% होता है ब्रिक में, सिलिका भी 50% से 60% होता है, और लाइम जो होता है 5% से कम होता है। यानी इसमें तीनों आंसर सही लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑप्शन सही है, इसलिए ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि ए पग मिल इज यूज्ड फॉर, फर्स्ट ऑप्शन है सॉफ्टेनिंग ब्रिक अर्थ, मोल्डिंग ब्रिक अर्थ, टेम्परिंग ब्रिक अर्थ, प्रोवाइडिंग ब्रिक अर्थ। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेम्परिंग ब्रिक अर्थ, जो कि पग मिल यूज है। कहाँ, किस लिए? कि टेम्परिंग ब्रिक अर्थ के लिए यूज होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है कि द कॉमनली यूज लाइम इन वाइट वॉशिंग, मतलब जो लाइम है कौन सा लाइम है जो कि वाइट वॉशिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है फैट लाइम जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वाइट वॉशिंग के लिए, मतलब वॉल्स को वॉशिंग क्या किया जाता है, वॉशिंग किया जाता है, यानी पेंट वगैरह किया जाता है। तो चलिए अब देखेंगे हम क्या इसमें होता है। फैट लाइम में 95% कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम होता है, CaO होता है 95%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में कहता है कि दी स्टैंडर्ड साइज ऑफ मशीनरी ब्रिक इज, स्टैंडर्ड साइज क्या होता है मशीनरी ब्रिक का। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए में है 18 cm × 8 cm × 8 cm, ऑप्शन बी में है 19 cm × 9 cm × 9 cm, सी में है 20 cm × 10 cm × 10 cm, और डी में है 21 cm × 11 cm × 11 cm। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 cm × 19 cm × 9 cm × 9 cm, जो कि स्टैंडर्ड साइज है इंडियन आईएएस क्लासिफिकेशन के अनुसार। ये जो है ऑप्शन सी में 20, 10 और 10 ये नॉमिनल साइज है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 19 cm × 9 cm × 9 cm स्टैंडर्ड साइज है ब्रिक का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है कि क्वार्जाइट क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है, आर्जिलेशियस रॉक है, कैलकेरियस रॉक है, सिलिशियस रॉक है। तो यहाँ पर क्या है, क्वार्जाइट जो है सिलिशियस रॉक है। क्वार्जाइट क्या है? सिलिशियस रॉक है, जिसमें सिलिका पाया जाता है। सिलिशियस रॉक में क्या पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर अब सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहता है कि इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू ट्री कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसके कारण इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट होता है, मतलब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सेवन। सेवन क्वेश्चन नंबर है कि लाइम कंक्रीट इज जनरली यूज फॉर, लाइम कंक्रीट जनरली यूज होता है किस में? तो वॉल फाउंडेशन में, फ्लोरिंग एट ग्राउंड लेवल में, बोथ ए एंड बी, और नाइदर ए और नॉर बी।
तो यहाँ पर यूज होता है दोनों में, ए में भी यूज होता है, बी में भी यूज होता है, मतलब वॉल फाउंडेशन में भी और फ्लोरिंग एट ग्राउंड लेवल में भी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि बोथ यानी दोनों आंसर होगा, ए भी आंसर होगा और बी भी आंसर हो जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस टाइप का इस ऐसे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्वेश्चन कहता है कि द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक शुड बी, सेकेंड क्लास का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है? ऑप्शन में दिख रहा है 75 kg/cm², 90 kg/cm², 100 kg/cm² और 120 kg/cm². तो सेकेंड क्लास ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 75 kg/cm² होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक का बात करूँ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, तो 100 kg/cm² होता है, लेकिन इसमें सेकेंड क्लास का बात करना है तो सेकेंड क्लास में हो जाएगा 75 kg/cm². तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कहता है कि रॉट आयरन कंटेन कार्बन इज, रफ आयरन जो है इसमें कितना कार्बन होता है? ऑप्शन ए में है 1.5% से 5.5%, बी में है 0.5% से 1.75%, और सी में है 0.1% से 0.25%, और डी में है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। रफ आयरन में कार्बन होता है 0.1% से 0.25% तक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, इसमें इनर पार्ट ऑफ ए टिम्बर लॉग सराउंडिंग द पिच इज कॉल्ड, इनर पार्ट ऑफ ए टिम्बर लॉग सराउंडिंग इज द पिच इज कॉल्ड। यहाँ पर ऑप्शन है सैप वुड, कैम्बियम लेयर, हर्ट वुड, नॉन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। एक टिम्बर है, मतलब लकड़ी है, लकड़ी का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और उसके जस्ट सेंटर में बीच में होता है एक पॉइंट, जो देखे होंगे आप लकड़ी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बीच पॉइंट को, यहाँ पर बोला जाता है पिच, इसको पिच बोला जाता है बीच पॉइंट को, यहाँ पर देखिए इंडिकेट कर रहे हैं। तो और पिच के चारों तरफ का जो एरिया होता है, पिच के जस्ट बगल का एरिया जो होता है, बगल का एरिया, उसको बोलते हैं हर्ट वुड। वही पूछ रहा है, देखिए इनर पार्ट ऑफ ए टिम्बर लॉग सराउंडिंग द पिच इज कॉल्ड। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो पिच के बगल में है उसी को बोलते हैं हर्ट वुड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, हर्ट वुड। तो यहाँ पर हर्ट वुड हो जाएगा। फिर इसके हर्ट वुड के बगल के बाद बोला जाता है सैप वुड, मतलब सैप वुड हो जाएगा, उसके बाद कैम्बियम लेयर बोला जाता है, उसके बाद का लास्ट का, यानी यहाँ पर बोला जाता है कैम्बियम लेयर जो इंडिकेट कर रहे हैं, उसके बाद क्या होता है ऊपर का जो छाल होता है, लकड़ी का ऊपर का जो छाल होता है, बाहर वाला को बोलते हैं आउटर और अंदर वाला को इनर बोलते हैं। तो चलिए आज का इतना ही था। आप देख लीजिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हर्ट वुड हो जाएगा। आप देख लीजिए कि हमारा 10 में कितना क्वेश्चन सही हुआ। ईमानदारी से आप कमेंट भी कर सकते हैं कि मेरा 10 में 8 सही हुआ या 5 सही हुआ या 10 में 10 सही हुआ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग गया है तो लाइक कर दीजिए। अगर भूले भटके हमारे चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। यहाँ पर मिलने वाला है आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रैक्टिस मटेरियल, प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, जो कि हर दिन 10 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें अभी हम बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट किए हैं, जो कि 2 पार्ट बनाए हैं, और उसके बाद आपको हर सब्जेक्ट से मिलेगा, जैसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC, सॉयल मैकेनिक्स हो गया, उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, सर्वेइंग हो गया, इरीगेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हर चैप्टर से मिलेगा आपको, हर चैप्टर से यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, प्रीवियस ईयर भी मिलेगा। और यहाँ पर क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जो न्यूज आता है, टेक्निकल से रिलेटेड जो न्यूज आता है, उसको भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आपको पहुँच जाए। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।